दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, आप सभी की सकुशलता की कामना करते हुए आज एक टॉपिक लेकर आए हूं जिस पर हम चर्चा करेंगे। आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है सेल्फ परचेस ऑफ NPA। जी हाँ, बैंकें अपने बुक्स क्लियर करने के लिए जो NPA होते हैं, हार्ड कोर NPA होते हैं जिनमें वसूली की संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं, ऐसे NPAs को सेल करती हैं और अपना बैलेंस बुक क्लियर करती हैं। बैंक कैन सेल और परचेज द NPA। जी हाँ, बैंकें जो हैं अपने NPA को बेच भी सकती हैं और खरीदते भी हैं। तो आप समझते हैं कि बैंक जो है अपने NPA को बेचते क्यों हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे NPA जो हार्ड कोर NPA होते हैं जिनमें वसूली की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य हो जाती हैं, जिनमें 100% प्रोविज़न हो जाता है। मान लीजिए 100 करोड़ का NPA है और उसमें 100% प्रोविज़न है और वसूली की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य हैं, तो 100 करोड़ के NPA हैं जिनमें 100% प्रोविज़न है, तो 100 करोड़ तो प्रोविज़न करना ही पड़ता है। ऐसे NPA खातों को बैंकें अपने बुक्स क्लियर करने के लिए उनको डिस्काउंट रेट पर सेल कर देती हैं। इसको इस तरह से समझा जाए कि अगर 100 करोड़ का हार्ड कोर NPA है और इसको अगर सेल करेंगे तो सामने वाली कंपनी जो NPA को खरीदती है वो जो है इसको डिस्काउंट रेट पे खरीदेगी। तो इसमें मान लीजिए 100 करोड़ का NPA है, वो 80 करोड़ में खरीदेंगे, 75 करोड़ में खरीदेंगे, तो इसमें क्या फ़ायदा होता है? बेचने वाले NPA बेचने वाले बैंक को ये फ़ायदा होता है कि उनका 100 करोड़ डूब रहा था, अब केवल 20 करोड़ डूबेगा। और ख़रीदने वाले बैंक को क्या है, 100 करोड़ का जो एडवांसेस है, 100 करोड़ का जो एसेट्स है वो जो है 80 करोड़ में मिल जाता है। और ये फ़ायदा होने की वजह से वो सेल परचेस ऑफ NPA करते हैं, अपने कंडीशन फॉर सेलिंग बैंक। अब यहाँ जो NPA जो बेचना चाहती है उस बैंक के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, सबसे पहले वो अकाउंट शुड बी NPA फॉर एनी पीरियड। जो अकाउंट को बेचना चाहते हैं, जिस एसेट को बेचना चाहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो NPA होने चाहिए। अकाउंट शुड बी NPA फॉर एनी पीरियड। दूसरा है सेल विल बी ऑन कैश बेसिस। जी हाँ, जो सेल होगा NPA का वो कैश बेसिस होगा। इसको इस तरह से समझा जाए, कैश बेसिस का मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले। और तीसरी कंडीशन है सेल ऑन ए विदाउट रिकोर्स बेसिस, सेल ऑन ए विदाउट रिकोर्स बेसिस। इसका मतलब ये होता है कि बेचने वाले बैंक की अब जिम्मेवारी नहीं होगी, मतलब वो उसके बाद उनकी जिम्मेवारी है कि वो किस तरीके से उसको देखते हैं। मतलब ये होता है कि बेचने वाले बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, मतलब एक बार बेच दिया उसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि उसमें कोई कमी है, इस तरह का कोई बात इसमें जिम्मेदारी नहीं होगी। ये विदाउट रिकोर्स बेसिस है, बेच दिए मतलब बेच दिए, जी हाँ, उसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो सेलिंग बैंक के लिए कंडीशन है कि अकाउंट शुड बी NPA फॉर एनी पीरियड, सेल ऑन कैश बेसिस, एक हाथ दे एक हाथ ले, और सेल ऑन विदाउट रिकोर्स बेसिस, विदाउट रिकोर्स बेसिस ये बेच दिए जाएंगे और डिस्काउंट पे बेचे जाते हैं NPA जो है। अब बात करते हैं कंडीशन फॉर परचेसिंग बैंक। जो परचेस कर रहा है NPA उनके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो उनके लिए कंडीशन का पहला शर्त है कि इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग बैंक अकाउंट विल बी क्लासिफाइड अंडर परफॉर्मिंग एसेट फॉर फर्स्ट 90 डेज एंड देन एज पर रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। जी हाँ, जो खरीदार बैंक है, जो NPA को खरीद रहा है, परचेसिंग बैंक है, उसके बुक्स में वो जो NPA खरीदे हैं वो पहले 90 डेज जो हैं स्टैंडर्ड एसेट के तौर पे दिखाए जाएंगे और उसके बाद एज पर रिकॉर्ड ऑन रिकवरी। जी हाँ दोस्तों, कि जो परचेसिंग बैंक है वो अगर NPA खरीद रहा है तो पहले 90 डेज जो हैं वो परफॉर्मिंग एसेट्स होंगे, मतलब स्टैंडर्ड एसेट्स होंगे, और उसके बाद एज ऑन रिकॉर्ड ऑन रिकवरी, जैसे रिकॉर्ड होगा उसके आधार पर वो क्लासिफिकेशन उनका होगा। अगला कंडीशन है फॉर कैपिटल एडवोकेसी रेशियो ए रिस्क वेट विल बी 100%। जो एसेट्स खरीदे जाएंगे उनमें कैपिटल एडवोकेसी रेशियो जो है 100% होंगे और परचेसिंग बैंक जो है वो उसको फर्दर सेल कर सकता है आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस। जी हाँ, परचेसिंग बैंक कैन फर्दर सेल द NPA आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कंडीशन है परचेसिंग बैंक के लिए कि पहला कि जो NPA खरीदेगा वो 90 डेज तक परफॉर्मिंग रहेगा, उसके बाद एज पर रिकॉर्ड ऑन रिकवरी रहेगा। दूसरी कंडीशन उनकी कैपिटल एडवोकेसी रेशियो के लिए रिस्क जो रहेगा वो 100% रहेगा। और अगली कंडीशन है कि वो 12 महीने के बाद, फिर डेट ऑफ परचेस के 12 महीने बाद उसको फर्दर फिर बेच सकता है। हम बात कर रहे थे कि बैंकें जो हैं वो NPA को सेल करती हैं, परचेस करती हैं, और परचेसिंग बैंक के लिए कंडीशन देख रहे थे और सेलिंग बैंक के लिए कंडीशन देख रहे थे। अब बात करते हैं हम ARC क्या होता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां क्या होती हैं, इनके बारे में जानते हैं। ए कंपनी हु परचेसेस NPA फ्रॉम बैंक इज कॉल्ड ARC। जी हाँ, ऐसी कंपनियां जो बैंकों से NPA को खरीदती हैं उनको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां कहते हैं। ए कंपनी हु परचेसेस NPA फ्रॉम बैंक इज कॉल्ड ARC। और
एआरसी इज़ रजिस्टर्ड विथ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, एआरसी जो होते हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होते हैं और इनका काम ही होता है बैंकों से एनपीए को परचेस करना है। और आप जानते हैं कि इनका नेटवर्थ कितना होना चाहिए। नेटवर्थ ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी शुड बी 15% ऑफ द परचेस एसेट्स आर ₹100 करोड़ विच एवर इज़ लोअर। जी हाँ, अगर कोई एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अगर एनपीए खरीद रही है तो जो परचेस एसेट है उसका 15% या 100 करोड़ विच एवर इज़ लोअर उतना उसका नेटवर्थ होना ही चाहिए। और जो मिनिमम कैपिटल एडवोकेसी रेशियो है वो 15% होना चाहिए। इन द सेंस मिनिमम कैपिटल एडवोकेसी रेशियो शुड बी 15%। जी हाँ, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वो कंपनी है जो बैंक से एनपीए खरीदती हैं। इनका रजिस्ट्रेशन रिजर्व बैंक से होता है। इनका नेटवर्थ जो है परचेस एसेट का 15% या ₹100 करोड़ विच एवर इज लोअर होना चाहिए। और इनमें मिनिमम कैपिटल एडवोकेसी रेशियो जो है वो 15% होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में हम जान पाए कि सेल्फ परचेस ऑफ एनपीए किस तरह से होता है और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में हम यहाँ जान पाए। और ये जो जानकारी है वो आपको आने वाले प्रमोशन एग्जाम में काफ़ी लाभकारी होंगे। दोस्तों, आज बुद्ध पूर्णिमा का शुभ दिन है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं करता हूँ कि जो पूर्ण चंद्रमा है आज आपको शीतलता प्रदान करे, आपके मन को शांति दे, आपके मन के सवालों का उत्तर मिले, आप अपने अंदर से अपने आप को बुद्ध की तरह, गौतम बुद्ध की तरह खोज पाएँ और शांति के उपदेश के साथ अपने जो अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर होते हुए आपको ज्ञान मिल पाए। इन शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। जी हाँ दोस्तों, ये अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बैंकिंग प्रमोशन और रिटर्न एग्ज़ाम से रिलेटेड और इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो के साथ आपके साथ आता रहता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।